क्या पर्सनालिटी है यार उसकी। तुमने जहां कोई हसीन लड़का देखा नहीं कि फौरन फिदा हो जाती है उसमें। नहीं यार, वो वाकई बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी का मालिक है। शायद तुमने उसे मेरी नजर से नहीं देखा ना। By the way, मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों किसके बारे में बात कर रही हैं? यार वो हमारी क्लास में एक नया लेक्चर आ रहा है। क्या नाम है उसका? रामिस। कितना रोमांटिक नेम है। और कसम से जैन, मैंने अपनी लाइफ में इतना डैशिंग लड़का कभी नहीं देखा। वैसे एनी, अब सब बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी तो हर लड़के के बारे में यही राय होती है। हर लड़के के बारे में नहीं, जो अच्छा लगता है सिर्फ उसके बारे में। तुम्हारी कभी तारीफ करी? नहीं ना। तो ओ हेलो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता है कि तुम जैन की इंसल्ट करो। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। आपसे भी सॉरी जैन भाई। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। एनी भी ना। By the way, क्या वो वाकई डैशिंग है? खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। दिखाओ तुमने क्या किया। आज से जुमेरात है, मजार पर दिया भी जलाना होगा। मौका देख के निकलूंगी। सुनो सुनो, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे? अरे वो ही हमारे इंग्लिश के सर रामिस अली। तुम्हें इस रामिस की पड़ी है, मुझे टेंशन हो रही है। एक तो जैन का भी नंबर मत। यार तुम एक बार उन्हें मेरी नजर से देखो तो सही। आज तो कसम से बहुत ग्रेसफुल लग रही है। खेल खेल रहे हैं ना वो लोग, मैं भी खेलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ है ना डैशिंग? इंग्लिश के लेक्चरर तो डैशिंग तो लगेंगे। तुम उन्हें इंग्लिश के लेक्चरर की नजर से नहीं, वैसी नजर से देखो। अच्छा, क्लास में देखती रहती, इसलिए मुझे देखने की जरूरत नहीं है। और इतना ओवर एक्टिंग भी मत करो। रुको। हेलो जी अब्बू, एक मिनट बस, मैं आ रही हूँ। अच्छा आप हर वक्त लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। सुनो तुम कैसे जाओगी? यार मैं जैन का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। तुम जाओ। चलो ठीक है, बाय। यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? Is everything okay? हाँ, मेरी गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है और मेरा जो फ्रेंड है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। नहीं नहीं, that's okay. आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ आप। नहीं नहीं, थैंक यू। अरे आइए आइए, प्लीज।
इस जहां से कहीं दूर, बहुत दूर, जहां ना रिवाज हो ना कोई खौफ, बस मोहब्बत हो, मैं हूं और तुम हो। अंजला, तुम्हें मना किया था ना मैंने, रात को यूं घर से अकेले मत निकला करो, मगर बाज नहीं आई। रह नहीं सकती ना इससे मिले बगैर, जिसकी वजह से तुमने मेरे बेटे को जहर देके मारा। कब तक छुपती? हाँ, आखिर पकड़ी गई ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मौत का मजा तुम्हें भी चखना पड़ेगा, जिससे तुमने मेरे बेटे को दोचार किया है। क्या हो गया? अच्छा हुआ आपसा, जो तुम भी आ गए। आओ आओ, अपनी आंखों से देख लो इस शख्स को। ये जिस शख्स से छुप छुप के मिलने आती है, जिसकी वजह से इसने मेरे बेटे को जहर दिया है, आखिर कब तक छुप सकता था ये बाला? आखिर पकड़ी ही गई ना ये, मैंने देख ही लिया कि रात के अंधेरों में ये छुप छुप के किससे मिलने आती है। किसकी बात कर रही हैं आप? हुआ क्या है? ये देखो, ये खड़ा है वो शख्स। आप? क्या तुम इस शख्स को जानती हो? अम्मी जान, ये मेरे क्लास टीचर है, सर रामेस। तुम्हारे टीचर सर रामेस? जी हाँ अम्मी जान। सर, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सर। अच्छा, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो। मैंने अब क्या किया? ये मुझे देख के इतना गुस्सा क्यों हो गई? अब वो खातून कौन है जिनसे इतना गैर इंसानी रवैया पेश कर रही थी? ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी आपको सुनाऊंगी, लेकिन मैं अपनी अम्मी जान की तरफ से आपसे सॉरी करती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चलता हूँ। ऐसा कीजिए, मेरे घर चलिए, मेरा घर यहाँ से बहुत करीब है, साथ चाय पीते हैं। सर प्लीज, अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया है। एक शर्त है मेरी पर। मंजूर है। आपने बगैर जाने ही मंजूर कह दी? क्योंकि आप जैसा जीनियस इंसान कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखेगा जो इखलाकियात के खिलाफ हो। चले, कोई शर्त नहीं, चलते। अरे तकल्लुफ मत कीजिए। नहीं, वो बस ऐसे ही ख्याल आ गया कि इनकी कहानी जान सकूं। बेटे माजरत चाहती हूँ मैं, तुम्हें गलत समझा मैंने, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हम कि इतनी रात गए तुम कर क्या रहे थे। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं बेगम साहिबा? अपने बारे में तो फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि आप तीनों खवातीन इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। दरअसल बात यह है कि मेरे भाई को शादी वाले दिन ही जहर दे दिया गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने भाई के कातिल तक अब तक नहीं पहुंच सके। मामा का कहना है कि जवार भाई से जिस लड़की की शादी हुई थी, जहर उसी ने ही दिया है, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। हम इतना अरसा साथ रहे, लेकिन फिर भी हम नहीं जान सके कि इस लड़की ने आखिर इतना घनावना जुर्म किया ही क्यों। तो आपके भाई की बेवा क्या जेल में है? नहीं नहीं,
केस को पुलिस या कचहरी तक हम खुद नहीं लेकर गए। मैंने कहा ना कि इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। शक का फायदा उठाकर वो बरी हो सकती थी, इसलिए हमने सोचा कि हम उसे इसी घर में रखें और ये जान सके कि ये सब उसने क्यों किया। तो इसका मतलब है कि वही लड़की है जिसे अभी आपने कब्रिस्तान में देखा। ओ। रहने दो, जाए यहां से। यही है जवार भाई की कातिला। लगती तो नहीं है बेटा, अक्सर शक्लें ही धोखा दिया करती हैं। सही कहा आपने, अक्सर चेहरे ही धोखा देते हैं। खैर मैं चलता हूँ, इजाजत है। अरे ऐसे कैसे, चाय पीकर जाइएगा। तब तुम्हारी हैरत तो दूर हो गई होगी ना कि इतनी रात गए हम तीन औरतें वहां पे क्या कर रहे थे। मगर मेरी कशमकश बदस्तूर बाकी है कि तुम वहां क्या कर रहे थे इतनी रात को। जी वो एक दोस्त की कब्र है पास में कब्रिस्तान में, मैं अक्सर दिया जलाने जाता हूँ वहाँ पे। दिन में जला नहीं सकता तो इसलिए रात में जाना पड़ता है। असल में उसकी ख्वाहिश थी कि ऐसा करें उसके मरने के बाद। ओहो, अफसोस हुआ तुम्हारे दोस्त का सुनकर। असल में वो एक लड़की से मोहब्बत करता था, एक हादसा हो जाने की वजह से वो लड़की उसे बेवफा समझती है, इसलिए उसने ऐसी ख्वाहिश की ताकि उसकी मोहब्बत चराग की तरह रोशनी देती रहे, बिल्कुल एक चराग की तरह रोशन रहे। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों की तसल्ली हो गई होगी। और हाँ, अगर कभी आप लोग दोबारा मुझे वहां देखें तो प्लीज अपनी बहू पर नाक सितम मत तोड़िएगा, क्योंकि अगर इंसान इस तरह शको शुबात के अंधेरों में गिर जाए तो असल कातिल नजरों के सामने से गुजर जाता है और आप उसे पहचान नहीं पाते। फाइनली गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये लड़का कुछ अजीब सा रुसरार मालूम होता है। मामा, सर रामिस बिल्कुल ठीक है कर गए। जब शक के अंधेरे बढ़ने लगे तो इंसान इसी तरह हर किसी पे शक करने लगता है। तो यानी ये तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? अगर मुझे तो बहुत मासूम लगते। अब देखे ना, यूनिवर्सिटी में भी हजारों लड़कियां इन पर मरती हैं, लेकिन ये बिला वजह किसी से बात ही नहीं करते। तो क्या लड़कियां इतनी बेहया और बेबाक हो चुकी हैं? मामा जमाना बहुत बदल चुका है, हर औरत अपनी मर्जी से जीना चाहती है। मर्जी से जीने का मतलब अगर शर्मो हिजाब के हुदूद की बर्बादी है तो ये औरत की आजादी नहीं बल्कि माशरे के बेहरा होने की निशानी है। हफ्सा, तुम भी कहीं उन्हीं लड़कियों में से तो शामिल नहीं हो? क्या मामा, कभी भी कुछ भी कहती रहती हैं, फिर से शक कर रही हैं। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि क्या हुआ, रुक क्यों गई, क्या बोलने वाली थी? मैं सोच रही थी कि रामेश सर जैसे इंसान मेरे ख्याल से बड़ी किस्मत वाली लड़कियों को मिलते हैं। अच्छा नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, अंजला को भेज देना। मैं भेज देती हूँ। मेरे जोड़ों में आजकल बहुत दर्द रहने लगे। शजी से मैंने कहा भी है कि एक दो दिन में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मुझे ले चले।
सांवर रामिस कौन है ये शख्स? अनिला, वो मजार में इस वक्त क्या कर रहा था? ये सावल है तो फिर हफ्सा सर रामिस कहकर क्यों बुला रही थी? सावल ही रामिस है तो रामिस सावल बना हुआ था। मैं इस कुत्ती को सुलझाना चाहूं भी तो कभी नहीं सुलझा सकती। और अगर ये सावल हुआ तो